महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार काबू में आती नजर आ रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,840 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 81 संक्रमितों की मौत भी हुई है। वहीं शुक्रवार यानी कि आज 27,891 मरीज ठीक हुए हैं। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक राज्य के 3 शहरों में कोरोना के पिछले 24 घंटे के भीतर 1,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। पुणे शहर की बात करें तो यहां 2,126 नए मामले सामने आए हैं। नागपुर शहर में 1,175 और पिपरी चिचवण में 1,079 नए केस निकले हैं। महाराष्ट्र में कोविड महामारी के दौरान अब तक 77,82,640 लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 74,91,759 इस बीमारी को हरा चुके हैं। राज्य में इस खतरनाक वायरस से कुल 1,82,940 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं राहत की बात यह है कि राज्य में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। हालांकि यहां अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित कुल 3,334 लोग पीड़ित हो चुके हैं। इनमें से 2,013 मरीजों को नेगेटिव रिपोर्ट के बाद छुट्टी दे दी गई है। अब तक जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 6,898 सैंपल भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 6,739 मरीजों के रिजल्ट मिल चुके हैं। 159 जांचों का इंतजार है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।